और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां भोपाल में आस्था के महापर्व छठ का आज आगाज हो चुका है। खरना पर व्रती तैयार कर रहेंगी भोग, कल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ के साथ होगा समापन। बड़ी खबर भोपाल से दिखा रहे हैं, आस्था के महापर्व छठ का आगाज हो चुका है, आज दूसरा दिन है और खरना पर व्रती तैयार करेंगे भोग। कल नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी महापर्व की, क्योंकि छठ को आस्था का महापर्व कहा जाता है। कल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ के साथ समापन होगा। आस्था के महापर्व छठ का आगाज हो चुका है, नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई और आज महापर्व छठ का दूसरा दिन है। दूसरे दिन खरना पर आज व्रती भोग तैयार करेंगे, कल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके साथ ही समापन होगा। तो भोपाल में बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको, आस्था के महापर्व छठ का आगाज हो चुका है, नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और आज महापर्व छठ का दूसरा दिन है। इस दौरान खरना का आज दिन है और खरना पर व्रती जो हैं वो आज भोग तैयार करेंगे कई सारे रीति रिवाजों के साथ। कल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इसका समापन होगा। तो आस्था के महापर्व छठ का आगाज हो चुका है, नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और खरना पर आज व्रती तैयार करेंगी भोग। कल सूर्य को चूंकि अर्घ दिया जाएगा और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इसका समापन होगा। तो आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है, नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी पहले दिन और आज खरना पर व्रती जो हैं वो कई सारे रीति रिवाजों के साथ भोग तैयार करेंगे और कल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता दुष्यंत पाराशर। दुष्यंत जी, आस्था के महापर्व छठ का आगाज हो चुका है, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? अब देखिए ज्योति, मध्य प्रदेश से की बात करें तो मध्य प्रदेश में छठ का महापर्व जो है वो बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है कल से हो गई है। कल नहाए खाए के साथ में इसकी शुरुआत हुई और आज खरना का दिन है। आज जो भोग है वो तैयार किया जाएगा और भोग तैयार करने के बाद जो व्रती हैं वो अपने आगे के तैयारियां जो है वो पूरी करेंगे। लेकिन अगर राजधानी भोपाल के घाटों की ही बात कर ली जाए तो घाटों पर साज सज्जा जो है वो यहाँ पर अनोखे तरीके से की गई है। यहाँ पर लाल और सफेद रंग का उपयोग करके घाटों को सजाया गया है। कोशिश ये की गई है कि ज्यादा सुंदर घाट जो है वो देखने को मिले और जिस तरीके से छठ महापर्व के यहाँ पर कई सारे जो फ्लैग्स जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं ने लगाए हैं। जिस तरीके से आकृतियों की बात करें तो छोटी छोटी आकृतियां भी यहाँ पर मिट्टी की देखने को मिल रही हैं। जो व्रती हैं वो कल शाम को जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उसके बाद जो उनका पूजन करने का तरीका होता है वो उन्होंने किया था और आज भी इसी तरीके का कुछ माहौल दिन भर देखने को मिलेगा। दिन भर अपनी तैयारियां खरना के माध्यम से पूरी करेंगे और उसके बाद शाम को इस तालाब में, चूंकि छोटा सा तालाब है और इस तालाब में यहाँ पर दीपदान करने जो है वो व्रती पहुंचेंगे। जिस तरीके से कई सारी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन ने की हैं ताकि किसी भी व्रती को किसी भी प्रकार से कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। छोटी छोटी नाव यहाँ पर रखी गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके और जिस तरीके से जो साफ सफाई का भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है तो सुबह से ही लगातार घाटों पर साफ सफाई जो है वो की जा रही है और घाटों का जो पानी है भी जो व्रतियों के उपयोग में लाया जा सके उसका भी यहाँ पर जो प्रबंधन है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर लोगों की बात करें तो आज शाम को लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और अपने व्रत का जो पुण्यक फल है उसको अर्जित करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग इलाकों में छठ महापर्व जो है वो अपने तरीके से मनाया जाता है, लेकिन राजधानी भोपाल के ही तमाम सारे घाटों पर अलग अलग नजारे जो है वो देखने को मिलेंगे। आज शाम को बड़ी संख्या में जो व्रती हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो घाटों पर पहुंचकर
दीपदान करेंगे। दीपदान करने के साथ ही भगवान सूर्य को यहाँ पर प्रणाम किया जाएगा और उसके बाद जब ये व्रत आगे बढ़ेगा तो कल सुबह जो है घाटों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए भी नजर आएंगे। जी, जैसा कि दुष्यंत जी आपने कहा कि घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, इस दौरान प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपको दिखाया कि जिस तरीके से प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने जिस तरीके से कई सारी तैयारियां की हैं, घाटों पर साज सज्जा यहां पर की गई है, जिस तरीके से यहां पर जब लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो यहां पर पुलिस बल को भी तैनात रहने के लिए कहा गया है। लेकिन फिलहाल अभी जब सुबह का समय है, ऐसे में यहाँ पर इक्का दुक्का लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं वही लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब व्रत आगे बढ़ेगा, पर्व आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों की संख्या में भी इजाफा होगा और जब लोगों की संख्या में इजाफा होगा तो यहाँ पर जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर लगाई जाएगी और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर नजर आएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी हादसे जैसी स्थिति ना बने, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिसकी वजह से प्रशासन को कहीं ना कहीं निराशा का सामना करना पड़े या फिर हम ये कहें कि व्यवस्थाएं जो है वो भंग हो जाए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है, तमाम सारे आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो भी यहाँ पर जारी किए गए हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी चूक ना हो इसको लेकर भी तमाम सारे अधिकारी जो है तमाम सारे घाटों की मॉनिटरिंग जो है वो समय समय पर कर रहे हैं और आज दिन भर जो है वो कहीं ना कहीं व्रतियों का व्रत जो है वो लगातार चलता हुआ रहेगा। लेकिन शाम को जब दीपदान होगा तो इस दीपदान के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो घाटों पर पहुंचेंगे और अपने व्रत को आगे बढ़ाएंगे। जी, अगर इससे इतर बात कर लें तो दिल्ली से बिहार जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो लेट हो चुकी हैं और यात्रियों को खासी परेशानी का सामना भी इस दौरान करना पड़ रहा है। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां आज आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है, नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और आज खरना का दिन है और आज व्रती सारे रीति रिवाजों के साथ इसका निर्वहन करेंगे।